हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फाइव पैसा। मैं हूं देवांशी आशर और आज के वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि आपको घर बैठे बैठे आपका मनपसंद खाना पहुंचाने के लिए जानी जाती है। जी हां, यू आर राइट, हम बात कर रहे हैं जोमैटो की, जो कि एक इंडियन फूड स्टार्टअप यूनिकॉर्न है। इस वीडियो में हम सबसे पहले तो इंडस्ट्री को समझेंगे, फिर जोमैटो के बिजनेस सेगमेंट्स पर फोकस करेंगे, फिर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे, मैनेजमेंट पीयर कंपैरिजन करेंगे एंड लास्टली इस कंपनी के स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज पर भी फोकस करेंगे। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है टू गेट यू न्यू वीडियोज एवरी डे। चलिए सबसे पहले इंडिया की ऑनलाइन फूड डिलीवरी इंडस्ट्री के बारे में समझते हैं। 2022 में इंडिया की ऑनलाइन फूड डिलीवरी इंडस्ट्री की वैल्यूएशन करीब $5.3 बिलियन की थी और अनुमान यह है कि 2028 तक ये वैल्यूएशन $29.3 बिलियन को पार कर सकता है। मतलब कि इस इंडस्ट्री की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 33% की हो सकती है। देश में बढ़ते हुए स्मार्टफोन यूजर्स और मोबाइल ऐप्स के जरिए फूड ऑर्डर्स में लगातार तेजी इस इंडस्ट्री को काफ़ी पुश दे रही है। इस इंडस्ट्री में अभी फिलहाल दो बड़ी कंपनियां हैं, दैट इज जोमैटो और स्विगी, जो कि मार्केट शेयर में एक दूसरे को लगातार टक्कर दे रही हैं। लेकिन 2022 के अंत में जोमैटो का जो मार्केट शेयर था वो 55% का रहा है। अब क्विक कॉमर्स सेगमेंट की बात करें तो लोगों तक इसके जरिए रोज की जरूरत का सामान पहुंचाता है, जैसे कि किचन आइटम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, बिस्किट्स एक्सेट्रा। इस इंडस्ट्री का मार्केट साइज जून 2023 में करीब $700 मिलियन का था, जो कि 2025 तक करीब $5.5 बिलियन तक पहुँच सकता है। इंडिया में तीन बड़े प्लेयर्स हैं जो कि इस इंडस्ट्री में कुल मिलकर 80% का मार्केट शेयर रखते हैं, वो है स्विगी इंस्टामार्ट, जोमैटो ब्लिंकिट और जेप्टो। डिजिटाइजेशन और ग्राहकों को घर बैठे प्रोडक्ट्स की मांग इस इंडस्ट्री को तेजी से बढ़ा रही है। इन दोनों ही इंडस्ट्रीज में ग्रोथ का पोटेंशियल काफी ज्यादा है और अब इनमें एक्सपर्टीज हासिल कर चुकी कंपनी जोमैटो के बारे में बात करते हैं। तो जोमैटो की शुरुआत साल 2010 में हुई थी। वैसे असल में इस कंपनी की नींव 2008 में दो IIT दिल्ली ग्रेजुएट्स, जो कि बेन एंड कंपनी में काम कर चुके हैं, उन्होंने रखी थी और वो हैं दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्डा। इन्होंने फूडी बे की शुरुआत की थी, जो कि 9 महीने में दिल्ली NCR की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट डायरेक्टरी बन चुकी थी। उसके बाद इन्होंने इस कंपनी को रीब्रांड करके जोमैटो की शुरुआत की। FY23 में जोमैटो के पास 210,000 एवरेज मंथली एक्टिव फूड डिलीवरी रेस्टोरेंट पार्टनर्स रहे हैं और ये 647 मिलियन ऑर्डर्स डिलीवर कर चुकी है। ये कंपनी कस्टमर डिलीवरी चार्जेस, प्लेटफॉर्म फीस, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यूज, एड रेवेन्यूज और स्टोर्स और रेस्टोरेंट से कमीशन के जरिए पैसा कमाती है। चलिए अब कंपनी की स्ट्रक्चर एंड सेगमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। तीन मेजर सेगमेंट्स हैं। पहला है फूड डिलीवरी बिजनेस, दैट इज जोमैटो। उसके बाद आता है क्विक कॉमर्स, दैट इज ब्लिंकिट, एंड देन कम्स B2B प्लेटफॉर्म फॉर डेली सप्लाईज, दैट इज हाइपरप्योर। FY24 के Q2 में कंपनी के एडजस्टेड रेवेन्यूज में फूड डिलीवरी सेगमेंट का सबसे बड़ा शेयर रहा है, दैट इज ऑफ 60%। इसके बाद हाइपरप्योर का 23%, क्विक कॉमर्स का 15.6% एंड गोइंग आउट सेगमेंट का करीब 1.5% का शेयर रहा है। सबसे पहले फूड डिलीवरी देखते हैं। तो फूड डिलीवरी के लिए कंपनी का एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म है, जिसमें रेस्टोरेंट पार्टनर्स लिस्टेड हैं और आप और मेरे जैसे लोग घर बैठे बैठे फूड ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही इसमें इंडिपेंडेंट डिलीवरी पार्टनर्स भी रजिस्टर्ड हैं, जो कि रेस्टोरेंट से ऑर्डर्स पिक करके कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। जोमैटो गोल्ड की मेंबरशिप में कस्टमर्स नो डिलीवरी चार्जेस, एक्सक्लूसिव ऑफर्स, इंटरसिटी ऑर्डरिंग, ऑन टाइम डिलीवरी जैसे कई सारे ऑफर्स का लाभ उठा सकते हैं। तो दैट वॉज जोमैटो। फूड डिलीवरी सेगमेंट का एडजस्टेड रेवेन्यू FY24 के Q2 में 22% ईयर ऑन ईयर तक बढ़ा है और ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, दैट इज GOV में भी 20% तक का राइज हुआ है। इस सेगमेंट में 18.4 मिलियन एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स हैं। जोमैटो गोल्ड में सितंबर 2023 तक करीब 3.8 मिलियन एक्टिव मेंबर्स थे, जिनका फूड डिलीवरी सेगमेंट के टोटल GOV में करीब 40% का कंट्रीब्यूशन रहा है, विच इज पॉजिटिव। देन कम्स हाइपरप्योर।
हाइपरप्योर कंपनी के B2B सप्लाईज का सेगमेंट है। इससे रेस्टोरेंट्स फ्रूट वेजिटेबल्स डेयरी प्रोडक्ट्स किचन आइटम्स और मसाले खरीदते हैं जो कि सीधा फार्मर्स और मिल्स से आते हैं। इस सेगमेंट का एडजस्टेड रेवेन्यू Q2 FY24 में 745 करोड़ रुपीस था, जो पिछले साल की तुलना में 123% बढ़ा है। FY23 में कंपनी 72,000 यूनिक रेस्टोरेंट आउटलेट्स तक सामान पहुंचा चुकी है। हाइपरप्योर ब्लिंकिट के जरिए भी अब गुड्स बेच रहा है, जिससे इसके रेवेन्यूज आगे और तेजी से बढ़ सकते हैं। साथ ही मिनिमम वैल्यू से कम के ऑर्डर्स पर डिलीवरी चार्जेस लगाने से भी इस सेगमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। कमिंग टू द क्विक कॉमर्स, क्विक कॉमर्स में जोमैटो की होली ओन सब्सिडरी ब्लिंकिट आती है, जिसको कंपनी ने अगस्त 2022 में खरीदा था। ब्लिंकिट के थ्रू कंपनी अपने कस्टमर्स तक रोजमर्रा की चीजें जैसे कि सब्जी, डेयरी प्रोडक्ट्स, आटा, दाल, चावल मिनटों में घर तक पहुंचा देती है, और इसके लिए कंपनी ने स्टोर्स और वेयरहाउसेस के साथ पार्टनर किया हुआ है। डिलीवरी पार्टनर 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में इन स्टोर से प्रोडक्ट्स उठाते हैं और कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। इस सेगमेंट के एडजस्टेड रेवेन्यूज Q2 FY24 में 114% तक ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं और GOV में भी 86% तक की बढ़त देखी गई है। इसी के साथ कंपनी ने Q2 में कुल 28 नए स्टोर्स भी खोले हैं और अब इसके पास कुल 411 डार्क स्टोर्स हैं और 4.7 मिलियन एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स तो हैं ही। FY23 में इस सेगमेंट में कमीशन, कस्टमर डिलीवरी चार्जेस और एड इनकम पर ऑर्डर की कमाई में बढ़त हुई है और साथ ही डिलीवरी कॉस्ट रिड्यूस हुई है, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव, यानी कि कंपनी को दोनों तरफ से फायदा हो रहा है। लास्टली गोइंग आउट में कंपनी का डाइनिंग आउट और जोमैटो लाइव बिजनेस आते हैं। डाइनिंग आउट में रेस्टोरेंट में ऑनलाइन टेबल रिजर्व करने की सुविधा दी जाती है और जोमैटो लाइव में शोज और इवेंट्स के लिए टिकट्स बुक की जा सकती है। गोइंग आउट सेगमेंट के एडजस्टेड रेवेन्यूज की बात की जाए तो FY24 के Q2 में 88% की ईयर ऑन ईयर बढ़त देखी गई है। GOV में 129% का राइज हुआ है एंड FY23 में जोमैटो लाइव में कंपनी ने 190,000 टिकट्स बेची है। कंपनी ने FY23 में अपना फूड और एंटरटेनमेंट कार्निवल दोबारा शुरू किया है, वो भी इंडिया के कुल 7 राज्यों में, विच अगेन इज अ पॉजिटिव थिंग। बात करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट की, तो एज एवरीवन नोज दीपेंदर गोयल कंपनी के फाउंडर, MD एंड CEO हैं। दीपेंदर गोयल ने जोमैटो की नींव रखी थी और ये कंपनी के MD और CEO हैं। इसके अलावा मिस्टर कौशिक दत्ता कंपनी के चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं जोमैटो के फाइनेंशियल पैरामीटर्स की। द फर्स्ट वन इज GOV। तो GOV केम इन एट 12,886 करोड़ इन Q3 FY24 वर्सेस 8,767 करोड़ इन Q3 FY23। एडजस्टेड रेवेन्यूज की बात की जाए तो Q3 FY24 में 3,609 करोड़ पर आए थे वर्सेस 2,363 करोड़ इन Q3 FY23। एडजस्टेड एबिटा केम इन एट 125 करोड़ इन Q3 FY24 वर्सेस -265 करोड़ in Q3 FY23 last year. Net cash flow from operating activities 219 crores per rahe the in Q2 FY24 versus -332 crores in Q2 FY23. Profit 36 crores rahe the in Q2 FY24 versus a loss of 251 crores in Q2 FY23, or Q3 mein net profits have increased to 138 crores versus the loss of 347 crore last year. Peers की बात की जाए तो कोई directly listed peer नहीं है, but आपकी screen पर कुछ new age high growth companies हैं जिनसे Zomato का comparison हमेशा से किया जाता है। चलिए बात करते हैं company की strength, weakness, opportunities और threats के बारे में। सबसे पहले strength की बात करते हैं, तो कंपनी फाइनली प्रॉफिटेबल हो चुकी है। फूड डिलीवरी और ब्लिंकिट दोनों ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं। इसके अलावा देयर इज राइज इन एडजस्टेड एबिटा मार्जिन, तो कंपनी के एडजस्टेड एबिटा मार्जिन FY22 में -18% थे, जो कि FY23 में इम्प्रूव हुए -9% तक पहुंच चुके थे, और वो नेगेटिव थे, लेकिन FY24 के स्टार्ट से ही एडजस्टेड एबिटा इज कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव। ग्रोथ इन रेवेन्यू,
कंपनी के रेवेन्यूज में FY23 में 65.6% तक की बढ़त देखी गई है और इसने 3 साल के CAGR ऑफ 41% को भी पीछे छोड़ दिया है, which again is positive. Coming to the weakness, the first weakness is possibility of data breach. Zomato एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सो डेटा ब्रीच और डेटा थेफ्ट का खतरा बना रहता है. Zomato जैसी उभरती इंटरनेट कंपनी के लिए इस तरह की सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ही रिस्की हो जाती हैं. सेकेंड इज इंक्रीज्ड कॉम्पिटिशन. स्विगी और दूसरे फूड डिलीवरी एप्स प्लस ग्रोसरी डिलीवरिंग एप्स के बढ़ते पार्टिसिपेशन की वजह से काफी कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो गई है. कमिंग टू दी अपॉर्चुनिटीज, द फर्स्ट वन इज राइज इन फूड डिलीवरी ऑर्डर्स. मान लीजिए कंपनी का 6 करोड़ एनुअल ट्रांजैक्टिंग कस्टमर बेस है तो सिर्फ 1.8 करोड़ लोग ही मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स होते हैं. तो अगर ETC में बढ़त होती है तो मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स में भी ऑटोमेटिकली बढ़त होगी. इसलिए कंपनी हर महीने नए कस्टमर्स लाने की कोशिश करती रहती है और जितने नए कस्टमर्स अक्वायर करेगी उतने नए ऑर्डर्स जनरेट कर पाएगी. न्यू स्टोर एडिशंस इन ब्लिंकिट. FY24 में कंपनी ब्लिंकिट में कम से कम 100 नए स्टोर्स जोड़ने का लक्ष्य रख चुकी है और मार्च 2024 तक ये गिनती 480 तक पहुंच सकती है. अपॉर्चुनिटी इन ब्लिंकिट. तो ब्लिंकिट का जो GOV है एज अ परसेंटेज ऑफ Zomato वो ज्यादा बढ़ रहा है. जिन शहरों में ये दोनों ही प्रेजेंट हैं उनमें GOV Q2 FY23 में 31% था और FY24 के Q2 में वो बढ़कर 47% तक पहुंच चुका है. और कुछ शहर में ब्लिंकिट का जो GOV है वो Zomato से कभी कभी ज़्यादा भी है. साथ ही ब्लिंकिट के 60% से ज़्यादा स्टोर्स कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि कंपनी का जो क्विक डिलीवरी सेगमेंट है वो फूड डिलीवरी सेगमेंट से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सकता है. जनवरी 2024 में कंपनी की सब्सिडरी Zomato पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को RBI से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का ऑथराइजेशन मिल चुका है, जिससे ये कंपनी अपने प्लेटफॉर्म से ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन की सुविधा भी दे सकती है. कमिंग टू द थ्रेट्स, तो थ्रेट फ्रॉम ONDC, दैट इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स. ONDC सरकार के द्वारा शुरू की गई कंपनी है जो कि Zomato के लिए सीधा सीधा खतरा तो नहीं है, लेकिन ONDC के प्लेटफॉर्म पर रेस्टोरेंट्स फूड बेच सकते हैं और साथ ही ये काफ़ी कम कमीशन चार्ज करती है और इससे Zomato को कमीशन बढ़ाने में दिक्कत हो सकती है जो इनके प्रॉफिट्स पर इम्पैक्ट कर सकता है. आखिर में बात करते हैं स्टॉक के पास रिटर्न्स की. तो एक महीने में इस स्टॉक ने 8.5%, पिछले 3 महीनों में करीब 15% और पिछले 1 साल में करीब 165% तक के रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं. मैनेजमेंट आने वाले क्वार्टर्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव है और साथ ही जो ब्रोकरेजेस हैं वो भी इस स्टॉक को लेके काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं. सो व्हाट डू यू थिंक, क्या Zomato आने वाले टाइम में मल्टीफोल्ड प्रॉफिट्स कमा पाएगा? विल दिस स्टॉक एड एनी जिंग टू योर पोर्टफोलियो? जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए और अगली कंपनी के रिकमेंडेशंस भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए. सो दिस वॉज एवरीथिंग दैट यू नीडेड टू नो अबाउट Zomato. प्लीज़ रिमेंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है एंड इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन इन एनी वे टू बाय और सेल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल.